ये देखिए पुलिस प्रशासन रात में इतना कहीं कि पैसा लेता है, नहीं पैसा लेता है, इसे गाड़ी बेच रहा है, गुंडा कर दिया, पैसा लेता है, कोई ना बोला, गाड़ी बेच रहा है, अच्छा पैसा ही लेता है। या अथी करने के बाद वीडियो पैसे ये कोई मतलब पदाधिकारी से वार्ता हो गया है, दो दिन का समय मांगे हैं, दो दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होता है तो उसका कुर्के जब्ती का उन्होंने अपने अनुमंडलीय आरक्षी पदाधिकारी से बात हो गई है और दो दिन के अंदर अगर वो नहीं गिरफ्तार होता तो उसका कुर्की होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोगों का कहना है कि सर तो लोगों में तो आक्रोश रहेगा ही नहीं, आक्रोश रहना चाहिए, आक्रोश नहीं रहेगा, किसी का बच्चा गया तो आक्रोश नहीं रहेगा, किसी का जवान बच्चा गया है कहाँ चला गया, हमारे एसपी साहब ईमानदार है, हमारे थाना प्रभारी जी बहुत ईमानदार, उस प्रशासन के द्वारा भी बदतमीजी भी की, छोड़िए बदतमीजी करते हैं तो हम सब चीज हैं और बड़ा बाबू तो एक ईमानदार व्यक्ति है, हम बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन सर आपको भी ये कहना चाहते हैं कि हो सकता कल मेरा भी हत्या हो जाए, मैं मीडिया के सामने बोलने जा रहा हूँ, अगर आप लोग हाथ आप लोग और नहीं साथ दीजिएगा, हम हर गांव में हर जगह पर स्मैक बिक रहा है, दारू बिक रहा है, इसके लिए जेल भी मंगा रहे हैं, हम लोग क्या करें बताइए सर, आज दो मिनट देख लीजिए, हम पकड़ते हैं जेल भेजते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है अपने हाथ में अब हथियार उठा के चलना पड़ेगा, हमको जो आप लोग कहते हैं उसके अनुसार हम लोग आते हैं कार्रवाई, आप पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम आपके साथ है खड़ा, लेकिन हम लोग का भी एक है, आप इसे नशा मुक्ति हमसे होगा, हम प्रशासन में क्या चैलेंज करता है, हम जेल जाएंगे फिर आएंगे फिर बेचेंगे, ऐसा कहता है ऐसा प्रशासन, प्रशासन सब मिली भगत है, सर आप खाए ना, हमको पता है भाई मरा है, हम लोग तो नहीं है, इतना मेहनत करते हैं, कुछ हो जाता है अच्छा नहीं लगता है, दो दिन हमको समय दिए, उनका कहाँ सुना सर, कहाँ सुना तुमको, अभी मेरा फोर्स बैठा हुआ वहाँ, उनके माँ को खा है, बंद हो जाएगा, देखिए कर दीजिएगा तो दारू बिकना बंद, हम अपने से तुम करेंगे ना, एक महीना पहले सर दारू ले लेते जवान लड़का मर गया किसी का, मैंने भीतर से हम बहुत गुस्सा में हैं, समझे ना, वहाँ जाइए देखिए उसके माँ को उठा के ले गए हैं और वहाँ पर लगा दिए, उसका सील हो गया, एक से दो दिन में एफ आई आर हमने कर दिया है, एफ आई आर भी मैंने कर दिया है, 494 एफ आई आर है, समझे ना, जाके कार्रवाई करें, आप देखिए ना भैया कार्रवाई, हम अपने केस लिए हैं, इसलिए किसी को दिया भी मैंने नहीं, हम अपने उनको सजा दिलवाई हम, दिमाग रखिए सजा दिलवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप लोग साथ दीजिए जरूर सजा दिलवाएंगे, हम आप लोगों के साथ हैं। क्या लगता है सर, भरोसा है कि बिद्दूपुर थाना अंतर्गत सारे जो शराब माफिया है वो खत्म हो जाएंगे, प्रयास करेंगे, भरोसा रहेगा सर, प्रयास करेंगे क्या कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं सर शराबबंदी वाले बिहार में दारू की एंट्री होती लगातार, मरते मौत हो रही है, कहीं ना कहीं सर देखिए एक बात मान ली की 302 का मुकदमा होता है, फांसी होता है, लेकिन फिर भी तो हत्याएं होती है ना, तो उसमें तो हम लोग तो साथ ही ना करेंगे, हाँ इसमें लोकल लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, जो हमें बताया कि इस जगह हो रहा है, हम जा करके
वहाँ पर छापामारी के लिए जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी घर में घुसा देता है लोग, किसी का निर्दोषों आदमी के घर में घुसा देता है लोग, ये सब दारू रख ले, जो दोषी है उसको कीजिए, समाज चाह जाए तो ये वो इधर से उधर होगा, छिटकेगा, आप लोग साथ दीजिए तो एकदम हम चाहेंगे, हम लोग में भी तो भय है, जो बताएंगे ना बहुत हमारे, हमको बताइए ना, बैठे बैठे गोली लग जाता है, हमको बताइए, हमको बैठे लगे गोली मार के चला जाता है, हमको बताइए, हमारे एसपी साहब को बताइए, हमारे डीएसपी साहब को बताइए, इतना सिस्टम लगा हुआ है, हम लोग भी तो भय व्याप्त है, जो नाम जानेगा, हम लोग बदनामी आदमी है, क्या भाई मुखिया और सरपंच ही ऐसा भेजता है, हम इन लोग क्या कर गोली ठोके चला जाता है, है ना, देख रहे काम करता है, अभी जो बेलगाम हो चुका है, जो अपराधी जो है बेलगाम अलग, इसके लिए एलटीएफ बना हुआ है स्पेशल, इसके लिए आईजी सर है, इसके लिए डीसपी अलग भाग बना हुआ है, आम आदमी सूचना सर देती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगी, आम आदमी अपना सूचना ओपन नहीं करे, टोल फ्री नंबर दिया, हमको पर्सनल फोन करे, हमारे साहब को फोन करे, हम कहां करेंगे, नहीं हम क्यों नहीं करेंगे, हम मान लेंगे बदमाश हो जाएंगे, आप किसी में लोग को है जो पूरा जानकारी में नहीं, उसका नाम गुप्त नहीं रखा जाता, उसका नाम उजागर नहीं किया जाता है, कोई भी सूचना देते हैं, हम लोग तो खोजते हैं कि कोई हमें सूचना दे पाता है, देखेंगे इनका, हम कान कर देते हैं इनका, ठीक है सर, हम कॉल करेंगे इनका, देखे ना, चाहे देखिए उसके मदर को भी जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे थोड़े, हाँ उनको जोड़ छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, दिमाग में रखिए, उनका घर को तहस नहस कर, तहस नहस कर रहे हैं, दोनों जगह अपना ताला लगा दिए हैं, मेरा पुरुष बैठा हुआ है, ये वो सामान इधर उधर नहीं होने, देखे ना आगे की हिम्मत नहीं करेगा, थोड़ा लॉक सील सब हो गया, जो लीगल हम लोग करेंगे, आप सजा दिलवाएंगे, दरवा कर दरवाएंगे, सजा क्या करें, हम लोग फोन जब फोन होता है प्रशासन आता है, सिर्फ एक शिकायत और है, हम लोग गाँव में, हम लोग जब किसी के द्वारा फोन होता है आते है बुरा पड़ जाएगा, और एक मोटरसाइकिल जब अगर हेलमेट के जाएगा तो उसको ले जाकर वहाँ कर, ऐसा बात एकदम सर, हम प्रूफ देते हैं, हम लोग हैं सर, हम नहीं कभी करते, आप लेकिन हम देखे मोटरसाइकिल, आपका कोई शिकायत नहीं मिल रहा है, शिकायत तो आप पदाधिकारी है ना, केवल आप ही कुछ है, घर से बच्चा है तो सर कहेंगे ना, जो दुकान जाओ और फ्राई में जाओ, उनको पकड़ लिया जाता है, दारू वाला फ्री चला जाता है, यही तो होता है, अब हम अपने से हम इधर उधर करें उसको पकड़, ना ये बात संभव संभव आपसे थोड़ी है, ऐसा बात करना जो सब कुछ अभी कीजिए, लेकिन ऐसा देखा गया आप अधिकारी लोगों को हम लोग अपना पढ़ते भी देते हैं, तकलीफ पहचान में नहीं करते, वो तो हमको तो फोन किया कीजिए, हमको कम से कम जो आप लोग जो भी कहते हैं हम लोग कर देते हैं, हमको क्रिमिनल पकड़ना है आपको, आप सब आदमी आप लोग कहाँ के लिए पकड़ेंगे, इसीलिए जो होगा हमको करने दीजिए, कहीं गिरफ्तारी वगैरह भी करें, हमको अपने प्रेशर है, खाना पीना नहीं खाएं, जब तक पकड़ाएंगे नहीं हम बचाएं, अपने सहयोग कीजिएगा तब जो है, हाँ मुखिया जी जब से कहा हम अपने बेचैनी में, हम तो सवेरे ठीक है, हम लोग ठीक है, अब विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, हम काम माना करते हैं, हम लोग को भी दुख है कि जवान लड़का किसी का चल जाते, लटका हुआ है, हमको सब कर्म कर देंगे, क्या कर रहे हैं, हमारे अलग हमारे अकेले हमारे बस्तर हम लोग हैं, चलिए हम करेंगे, हमको जो बताइए ना, हम नहीं करें तब ना,